नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अक्सर देखा गया है कि जानवरों की दुनिया छोड़ने पर इंसानों की भी आंखें नम हो जाती हैं। यही वजह है कि पिछले एक दो दिनों से एक बाघिन की मौत की चर्चा खूब हो रही है। लोग इस बाघिन को सुपर मॉम के नाम से जानते थे और ये सुपर मॉम बाघिन मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में रहती थी। पिछले 3 से 4 दिनों से बाघिन बीमार चल रही थी। 17 साल की इस बाघिन ने पूरे 29 शावकों को जन्म दिया था, जिस वजह से इसे सुपर मॉम का खिताब मिला हुआ था। बाघिन को सिर्फ सुपर मॉम ही नहीं बल्कि रानी के नाम से भी जाना जाता था। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार दृश्यों में कई स्थानीय लोग बाघिन के अंतिम संस्कार में शामिल हुए, जिन्हें आखिरी बार 14 जनवरी को देखा गया था। कुछ लोगों ने उसे माला पहनाकर आखिरी विदाई दी। ट्विटर पर लिखते हुए वन विभाग ने पेंच टाइगर रिजर्व में कॉलर वाली के अंतिम संस्कार की तस्वीरें साझा की। बाघिन के अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों में जिला और वन अधिकारी शामिल थे। रविवार के दिन पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया टाइगर रिजर्व पार्क में ही की गई। इसकी तस्वीरें आईएफएस परवीन कासवान ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की है। उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा, पेंच की कॉलर वाली बाघिन का अंतिम संस्कार किया गया। आपको भारत के अलावा ऐसा कहां देखने को मिलेगा। बता दे, पेंच की इस कॉलर वाली बाघिन ने 29 शावकों को जन्म दिया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसी वजह से उसे सुपर टाइग्रेस मॉम भी कहा जाता था। सोशल मीडिया पर यूजर्स ये देखकर बेहद हैरान हुए कि आखिर एक टाइग्रेस का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। चलते चलते आपको बताते चले कि इस बाघिन का जन्म पेंच नेशनल पार्क में साल 2005 को हुआ था और साल 2008 में उसने पहली बार बच्चों को जन्म दिया। साल 2008 से लेकर 2021 तक बाघिन 8 बार मां बन चुकी थी और उसने कुल 29 शावकों को जन्म दिया। कॉलर वाली बाघिन ने आखिरी बार जनवरी 2021 में 3 शावकों को जन्म दिया था। साल 2011 में इस बाघिन ने एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया था, जो अपने आप में दुर्लभ है। आपको यहां यह भी बता दें कि पेंच नेशनल पार्क में इस बाघिन के गले में सबसे पहले रेडियो कॉलर लगाया गया था, जिससे उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। तभी से उसे कॉलर वाली बाघिन के नाम से जाना जाता है। जनवरी 2019 में अपने शावकों को मुंह में दबाकर ले जाने की तस्वीर भी उसकी वायरल हुई थी।